नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे आज की यानी कि 25 सितंबर 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल जो है वो 10 प्रश्न और एक प्रश्न पिछली करंट अफेयर से भी हम आपसे पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस देश ने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध जो है वो लगा दिया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं उत्तर की, सऊदी अरब बिल्कुल सही हो जाएगा। सऊदी अरब ने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध जो है वो लगा दिया है। कोरोना वायरस के मद्देनज़र जो सऊदी अरब है उसने इन देशों से आने वाले जो लोग हैं उन पर भी रोक जो है वो लगा दी है। भारत के अलावा इसमें और कौन कौन से हैं, तो एक आपका ब्राज़ील है और एक आपका अर्जेंटीना भी इसमें जो है वो शामिल हैं। तो मेन कोरोना संक्रमण के कारण जो है ये प्रतिबंध लगाया गया है। देखते हैं दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस रेल राज्य मंत्री का 65 वर्ष की उम्र में निधन हो गया कोरोना के कारण। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो सुरेश अंगड़ी बिल्कुल सही हो जाएगा। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी जो है इनका कोरोना महामारी के कारण जो है वो निधन हो गया है और कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले ये पहले केंद्रीय मंत्री के रूप में भी जो है वो होंगे। ये 65 वर्ष के जो है वो थे और ये कर्नाटक के सांसद के रूप में भी जो है वो रह चुके हैं। और इससे पहले मैंने करंट अफेयर में आपको बताया था, इससे पहले अशोक गस्तीव की पिछले दिनें कोरोना के कारण ही जो है वो मौत हो गई थी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, तीसरा, निम्न में से किस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। शिवांगी सिंह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शिवांगी सिंह लड़ाकू राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला जो है वो पायलट बन गई हैं। इसके अलावा जो शिवांगी सिंह हैं इनकी पोस्टिंग इस समय राजस्थान में जो है वो है और इससे पहले जो इनकी ट्रेनिंग है वो हैदराबाद में जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा, संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना महामारी की सुस्ती के कारण 2020 में निम्न में से कितने प्रतिशत अर्थव्यवस्था रहने का अनुमान जो है वो जताया है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो 5.9% आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और व्यापार और विकास पर संयुक्त राज्य सम्मेलन है उसकी इस रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि इस साल जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसमें 4.3% की कमी भी जो है वो होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, पाँचवा, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया है। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो आयुष्मान खुराना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पत्रिका आप जानते हैं टाइम, इसने अपने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की जो लिस्ट है वो रिलीज की है। इसमें भारत के 5 बड़े नाम शामिल किए गए हैं। लिस्ट में इस बार प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उनका भी नाम है और उसके साथ साथ जो अन्य भारतीय उनकी बात करें तो उसमें गूगल जो है उनके CEO सुंदर पिचई हैं, अभिनेता जो है वो आयुष्मान खुराना है, इसके अलावा HIV पर शोध करने वाले रविंदर गुप्ताल हैं और शाहीन बाग धरने में शामिल बिल्किस भी जो है इसमें शामिल है। 6ठा प्रश्न देखते हैं, भारतीय रेलवे ने कब तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया है। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो 2023 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारतीय रेल की जो बड़ी लाइन है उनके मार्गों को वर्ष 2023 तक 100% विद्युतीकृत किए जाने की योजना जो है वो रखी गई है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 7वां, किस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क यानी कि मेडिकल डिवाइसेस पार्क का शिलान्यास किया गया है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो केरल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। केरल में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया है और इस पार्क का उद्देश्य क्या है, जो चिकित्सीय उपकरण उद्योग है उनको अनुसंधान और विकास परीक्षण और मूल्यांकन जैसी जो सेवाएँ हैं उसकी कह सकते हैं उसको उपलब्ध कराना, मेन तो यही उद्देश्य है। तो यही आपका ऑप्शन डी केरल सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस मशहूर शेफ ने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल पुस्तक लिखी है। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो विकास खन्ना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो
मशहूर शेफ़ हैं ये विकास खन्ना। इन्होंने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल नामक पुस्तक लिखी है। इसमें उन्होंने अपने खाने खिलाने की जो पहल फीड इंडिया है उसके बारे में भी लिखा है। फीड इंडिया पहल दुनिया के सबसे बड़े फूड ड्राइव में से एक है, जो कि जो भूखे लोग हैं उनको भोजन परोसने की एक पहल है। ये जो पुस्तक है वो 2021 में जो है वो जारी की जाएगी। नवा प्रश्न है आपका, विश्व समुद्री दिवस 2020 का थीम जो है वो क्या है? चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो आपका बी ऑप्शन सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग, ये आपका सही हो जाएगा। मनाया कब जाता है विश्व समुद्री दिवस? तो प्रतिवर्ष जो सितंबर माह है इसके अंतिम बृहस्पतिवार को जो है वो मनाया जाता है। तो आपका इस वर्ष की थीम जो है ये हो जाएगी। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न आपका क्या है, DRDO ने किस राज्य में फायरिंग रेंज में स्वदेशी जो रूप है उससे विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो DRDO जो है उसने लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण जो है वो किया है, और इसे महाराष्ट्र जो है इसके अहमदनगर में MBT जो अर्जुन टैंक है उससे जो है वो फायर किया गया है। तो अब देखते हैं अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो कल की करंट अफेयर से आज का आपके लिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ जो है वो किया गया है? पंजाब, कर्नाटक, बिहार या राजस्थान? ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। बात करते हैं कल की करंट अफेयर में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो सिमोना हालेप आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।